अर्थमेटिक मीन ए और बी का क्या होगा? वो होगा ए प्लस बी बाय टू। वो कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है वो ए और बी के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। अर्थमेटिक मीन मैंने लिख दिया है तो पक्की बात है इस एक्सप्रेशन को उसके साथ इक्वेट करना है और एन का वैल्यू निकालना है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से और जो चैप्टर लिया है वो सीक्वेंस इन सीरीज। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन गिवन एक्सप्रेशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। अब इस चैप्टर का थोड़ा नॉलेज है और थोड़ा बहुत जानते हैं तो समझ सकते हैं कि दो नंबर अगर आपको गिवन है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या हो सकता है। तो पक्की बात है तो अर्थमेटिक मीन ए और बी का क्या होगा? वो होगा ए प्लस बी बाय टू। वो कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है वो ए और बी के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। अर्थमेटिक मीन मैंने लिख दिया है तो पक्की बात है इस एक्सप्रेशन को उसके साथ इक्वेट करना है और एन का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन लिखा है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन होल अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये किसके बराबर है? ए और बी के अर्थमेटिक मीन के। जो एक्चुअल में क्या लिखा जा सकता है डायरेक्टली, ए प्लस बी बाय टू। अगर क्वेश्चन ये अराइज हो कि सर आपको तो याद है कि अर्थमेटिक मीन ए और बी का क्या होता है, मुझे तो नहीं पता तो कैसे निकालू, तो देखो बड़ा आसान तरीका है। मान लेते हैं कि ए बी सी ये तीन नंबर एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये तो होता है कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहां से क्या पता चला, जरा दोनों भी एक तरफ करना, ये माइनस का भी इधर लाओ, एक भी पहले से ही है, टू बी इज इक्वल टू माइनस का ए उधर ले जाओ तो सी प्लस ए, तो बी का वैल्यू क्या हो गया? सी प्लस ए बाय टू। मतलब अगर आपके पास तीन नंबर है ए बी सी तो अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, चूंकि हमने कॉमन डिफरेंस अभी निकाल के दिखाया, बी बराबर ए प्लस सी बाय टू। मतलब मिडल टर्म जो होती है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम डिवाइडेड बाय टू के बराबर होती है। लेकिन दिक्कत है मैंने आपको तीन टर्म का निकाल के दिखाया है और टर्म अगर दो ही हो, मतलब सिर्फ आपके पास दो टर्म हो ए और बी, तो फिर ए एम क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो भाई देखो ना, दोनों टर्म का सम डिवाइडेड बाय टू ही तो होता है, लेकिन वो मिडल टर्म को रिप्रेजेंट करता है जो कि तीन टर्म होने पे निकाला जाता है। लेकिन अगर टर्म दो ही हो तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? नियम अभी भी वही रहेगा, दोनों टर्म का सम डिवाइडेड बाय टू। बस ये ध्यान रखना है, तीन टर्म हो तो बी बराबर ए प्लस सी बाय टू, लेकिन टर्म ही दो रह जाए तो अर्थमेटिक मीन डायरेक्टली दोनों टर्म का सम डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ही टर्म थी तो देखो अर्थमेटिक मीन मैंने दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू लिखा है, ये कंसेप्ट था इसका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलो टू से मल्टीप्लाई करो, तो टू इंटू ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इंटू में क्या आ जाएगा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू इंटू ए की पावर एन प्लस वन, फिर मल्टीप्लाई कीजिए टू इंटू बी की पावर एन प्लस वन। अब जरा मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना, ए को मल्टीप्लाई करना है ए की पावर एन से, तो चलो पहले लिख लेते हैं, अगले स्टेप पे लिखूंगा। ए को मल्टीप्लाई करना है ए की पावर एन से, फिर ए को मल्टीप्लाई करना है बी की पावर एन से, फिर बी को मल्टीप्लाई करना है ए की पावर एन से, और फिर बी को मल्टीप्लाई करना है बी की पावर एन से। अभी सिर्फ मैंने मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया है, प्रॉपर स्टेप इस स्टेप पे डालता हूं। चलो कितना आगे, टू इंटू ए की पावर एन प्लस वन टू इंटू बी की पावर एन प्लस वन। अब जरा ध्यान से देखो, बेस सेम है और बीच में इंटू है, तो एक्सपोनेंट का नियम कहता है पावर जोड़ दो। अब ए पी कितनी पावर है, वन है, ये कितना हो जाएगा ए की पावर एन प्लस वन। इन दोनों में कोई चेंज नहीं आना क्योंकि बेस ही डिफरेंट है, प्लस बी इंटू ए की पावर एन, और यहां देखिए डायरेक्ट फिर से बेस सेम है बीच में इंटू, तो पावर इसकी भी आप ऐड कर देंगे जैसे आपने इसकी की थी अभी। अब देखो क्या करना है, ए की पावर एन प्लस वन ए की पावर एन प्लस वन ले आइए इस तरफ, बी की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन इसको भी ले आइए इस तरफ। मतलब ए की पावर एन प्लस वन वाले एक तरफ, बी की पावर एन प्लस वन वाले एक तरफ, तो देखो कितना है, टू इंटू ए की पावर एन प्लस वन
इधर लाइए, माइनस ए की पावर एन प्लस वन, तो आगे प्लस लिखा है ना, प्लस टू इंटू बी की पावर एन प्लस वन, इसको भी लाइए, तो माइनस बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को एज इट इज लिखा छोड़ दीजिए, इसका अभी आपका कोई काम नहीं है। अगले स्टेप पर देखिए, 2a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर n प्लस 1, 2b की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n प्लस 1, तो प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, RHS में कोई चेंजेस नहीं करने, इसको बिल्कुल एज इट इज आप कॉपी कर दो। अब अगला स्टेप देखो, जरा इन दोनों की पावर को तोड़ो, कैसे आएगा, a की पावर n इंटू a प्लस b की पावर n इंटू b is equal to a into b की पावर n प्लस b into a की पावर n। अब b की पावर n, b की पावर n एक तरफ, a की पावर n, a की पावर n एक तरफ, किसी को किधर भी ले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं a की पावर n वाले एक तरफ कर रहा हूं, इसको ले आया इधर, is equal to b की पावर n वाले एक तरफ कर रहा हूं, तो a into b की पावर n उसको ले जाइए इस तरफ, a की पावर n कॉमन ले लीजिए, इतना बचेगा a माइनस बी, तो a की पावर n तो कॉमन आ गया, तो a माइनस का b, ऐसे देखो इधर क्या कॉमन आ रहा है, b की पावर n, तो क्या बचा a माइनस बी, अब दोनों साइड आपको a माइनस बी दिखाई दे रहा है, ये लो जी कैंसिल आउट हो गया, कितना लिखा आ रहा है a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n, जरा दोनों को एक दूसरे के नीचे ले जाना, लाओ जरा b की पावर n को a की पावर n के नीचे, तो a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू, क्या बचेगा बात, यहां वन बचेगा। अब सोचने वाला स्टेप ये है, इसको इसके बराबर लाकर मैं एन की वैल्यू ला सकता हूं, लेकिन दिक्कत है यहां तो लिखा है, देखो क्या यहां लिखा है, ए अपॉन बी की होल पावर एन इज इक्वल टू, ऐसा क्या रखूं कि वन भी लिखा हो और रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो कि एन की वैल्यू आ जाए, जरा चेक करो इस वन को, ऐसा लिख सकता हूं ए प्लस बी की होल पावर जीरो, भाई एनीथिंग रेस टू द पावर जीरो इज वन ना, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, जरा चेक करो, बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, बीच में इक्वल टू है, तो एक्सपोनेंट का नियम क्या कहता है, एक्सपोनेंट का नियम कहता है पावर बराबर बेस गायब, पावर मैंने कर दी बराबर बेस हो गए गायब, ले लीजिए आगे एन की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन लिखा हुआ था, बात बन गई। अगर आप इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके चेक कर सकते हैं, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, और चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ उन्हें भी जाकर चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।